जम्मू कश्मीर में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास युग शुरू हो गया है। मैं जम्मू कश्मीर को आज ये कहने आया हूँ कि जम्मू कश्मीर वालों के साथ अन्याय का समय खत्म हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। अब जम्मू कश्मीर का विकास होगा और ये प्रदेश देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। नवभारत समाचार। तो जम्मू कश्मीर कई बरे का इंतजार करता रहा कि दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक है जिहड़ा होम मिनिस्ट्री का कार्यालय है जिस कुर्सी उपर सरदार पटेल बौद्धे है उत्थे कोई ऐसा महानुभाव आइए भवे कि जिहड़ा काम उन्हें शुरू किया हो सर अंजाम हो। असा सारे देखिया तुसा भी देखिया 5 ते 6 अगस्त 2019 की गृह मंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर अमित शाह जी ने जिस चाली नवा विधेयक लिया संसद शुरू ते कई बरे थवां चला रही संवैधानिक त्रुटि का निवारण किया कई बरे थवां चला रही एक मानवीय ना इंसाफी का प्राश्चित किया कई बरे थवां चले आ रहे एक इतिहासिक विडंबना का प्राश्चित किया ते जम्मू कश्मीर की एक नई नवी दिशा दी एक नवी दशा दी एक नवी व्यवस्था दी। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जम्मू कश्मीर वास्ते जिहड़ी सोच है जिहड़ी विजन है जिहड़ा जिहड़ी कल्पना तसव्वुर है उसी धरती उपर उतारने का काम जे कुसे ने किया है तो अमित भाई ने किया। मोदी जी की विजन जम्मू कश्मीर दे वास्ते उनकी कल्पना की जे कुसे ने अमली जामा पाने का काम किया है तो अमित भाई शाह ने किया। तुसीं चेता हो प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद मोदी जी ने क्या गलाया हा उन्हें आख्या हा मुल्क के वह हिस्से वह क्षेत्र वह राज्य जो पिछड़ी के जो मुख्य धारा तो दूर रही थे उन्हें मैं बराबर सतह पर लियाइए विकास कर भावें पूर्वोत्तर हो भावें जम्मू कश्मीर हो। तो उपरंत कोई ऐसा दिहाड़ा नहीं गुजरिया कोई ऐसा दिन नहीं गुजरिया जिसलै मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की चिंता नहीं की हो। असी पैकेज भी दिते प्रोजेक्ट भी दिते संवेदनशीलता की इतनी इंतहा कि 2014 च सरकार बनने के किछे महीने बाद इतने एक प्रकोप आया बरखा का सैलाब का कई ग्रां रुड़ी इतने उधमपुर साड़ा पूरा पूरा ग्रां रुड़ी है चार ही घर बरखा कने रुड़ी है श्रीनगर का सारा सारा शहर पानी च डुबी आ। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली दियाली अपने घर नहीं मनाई अक्तूबर महीने च जम्मू कश्मीर आए मिगी पहली बात याद है दियाली के ध्याड़े बन लिया अस इतने पुजे पहली बैठक मोदी जी ने इतने ली थी इकबाल खांडे उस वेले चीफ सैकटरी होंगे कन्ने अधिकारी कन्ने बेहिए इस गल का समाधान किया हुआ है कि उधमपुर एक पूरा पूरा ग्रां रुड़ी गया तो वो बाद अस श्रीनगर पुजे तरकाल होंगे होंगे जिसले लोग दीए लाने लगे पटाके की आवाज आने लगी तो मोदी जी बाढ़ ग्रस्त लोगों के बिच कश्मीर च बैठे थे नया साड़ा प्रधानमंत्री तो नहीं उनकी चिंता। आज ढेर सारे चीजों का उद्घाटन हुआ है मनोज जी ने विस्तृत रूप से इसकी मीमांसा करी है। मैं कुछ चीजें जरूर कहना चाहता हूं। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहने को 5 मगर 4 मेडिकल कॉलेज थे। आज मैं आपको बताने आया हूं कि जम्मू को कश्मीर के अंदर 7 मेडिकल कॉलेजों का स्थापना हो चुका है नए और 2 और होने वाले 5 चालू हो चुके हैं। पहले 500 विद्यार्थी यहां से MBBS कर सकते थे अब लगभग 2000 विद्यार्थी यहां MBBS कर पाएंगे किसी को कहीं पर भी जाने की जरूरत। आज IIT का एक कैंपस का उद्घाटन हुआ। मैं मन की बात बताना चाहता हूं मित्रों मैं स्वयं अचंभित हूं ढेर सारे कैंपस में मैं गया हूं इस प्रकार का आधुनिक IIT का कैंपस मैंने नहीं देखा। और धर्मेंद्र भाई ने मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति आई है इसका शुभारंभ भी आज प्रेमनाथ डोगरा के जन्मदिन के दिन किया। IIT IIM और एम्स तीनों संस्थान मिलकर नए प्रकार के कोर्स की रचना कर एक दूसरे के पूरक कैसे बनेंगे इसकी चिंता की। और मित्रों
मैंने तीनों डायरेक्टरों के साथ चर्चे चलते बात करी है कि भाई ये बात सही है आपके आईआईटी में 2000 बच्चे आएंगे, मगर मेरे जम्मू कश्मीर के कितने आएंगे। तो उन्होंने कहा साहब ये तो ओपन एग्जाम होता है, जम्मू कश्मीर के बच्चे देश में कहीं पर भी जा सकते हैं, देश का कोई भी बच्चा यहाँ आ सकता है। मेरे को होना तो ऐसा ही चाहिए, परंतु क्या हम सैटेलाइट कैंपस खोलकर जम्मू कश्मीर के बच्चों का ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर के बच्चों का एडमिशन यहाँ पर हो जाए। तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम करेंगे। मित्रों, कल एक अभिनव प्रयोग मैंने देखा, 4500 यूथ क्लब यहाँ खोले गए हैं, 35,000 युवाओं से मैंने बातचीत की, किसी को रोजगारी मिली है, किसी को शिक्षा मिली है, किसी को स्किल अपग्रेडेशन के फायदे मिले, वो लोग समाज सेवा के काम में चुके। मैंने भी उनको कहा कि आप लोग ढूंढ लीजिए आपके गांव में एक भी माता, एक भी बहन, एक भी महिला गैस के सिलेंडर वगैरह की है तो आप जरूर पत्र लिख दीजिए, हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर की एक भी माता के घर में। मेट्रो की शुरुआत होने वाली है और बहुत बड़ी भूमि जम्मू एयरपोर्ट के लिए आवंटित कर दी गई है। एयरपोर्ट का विकास भी 700 करोड़ के रुपयों के साथ होने वाला है। कल एक हेलीकॉप्टर पॉलिसी की घोषणा करी है जम्मू कश्मीर सरकार, हर जिले में हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनाने जा रही है, प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करेंगे और हर जिले को अलग अलग यात्रा स्थानों के साथ जोड़ने का काम और जम्मू से हर जिले को जोड़ने का काम, यात्रियों को पहुंचाने का काम ये हेलीपैड सर्विस के द्वारा होने वाला है। मित्रों, जम्मू कश्मीर के गांवों को 20-22 घंटा बिजली उपलब्ध कराने के लिए ये 4 वर्ष जो मोदी जी के थे उसमें 35,000 करोड़ रुपए, कितना मैं बोलता हूं फिर से बोलो, 35,000 करोड़, कितना सुनाई नहीं पड़ता है, 35,000 करोड़ रुपए की उत्पादन जल विद्युत करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट कमीशन के कारण ये 3 परिवार जो रोक कर बैठे थे मोदी जी ने और एलजी साहब ने चालू कर दिया है। मित्रों, 35,000 करोड़ रुपए। मित्रों, इससे पकादुल 624 मेगावाट, कीरू शुरू हो चुकी है 340 मेगावाट वाली, दुलहस्ती 2 390 मेगावाट की किरथाई, 930 मेगावाट की किरथाई 2, 850 मेगावाट की राटले और 1856 मेगावाट की साकले कोटे की योजना शुरू होने जा रही है। मित्रों, ये बताता है कि मोदी जी के दिल में जम्मू कश्मीर के नागरिकों का प्रायोरिटी कितना है। मित्रों, मैं आपको 2 घटना जरूर बताना चाहता हूं। कोरोना आया, पूरा विश्व झंझोर कर रहे और वो सब लोग सोचने लगे कि भारत जैसा देश कोरोना का मुकाबला कैसे करे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा थोड़ा वीक, मगर मोदी जी ने विश्व में सबसे अच्छे तरीके से कोरोना का मुकाबला कर सबसे कम मृत्यु दर भारत में। अभी तो मैंने भारत की बात करी, भाई मुझे एक सवाल पूछना है, मुझे बताओ आप देश में सबसे पहले 100% टीका किस राज्य का लग गया, बताओ तो बोलो, अरे जोर से बोलो, जम्मू। को समाप्त करना चाहूंगा, ये मंदिरों की भूमि है, माँ वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास। मित्रों, 2 घंटा लेट होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पधारे, खराब मौसम होने के बावजूद भी पधारे, पहाड़ से भी मेरे इतने सारे भाई आए हैं, मैं सभी का जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ आज गगन भेदी नारा लगना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज जानी चाहिए,
कि कश्मीर में नए युग की शुरुआत हुई है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ पीछे तक सभी लोग। कश्मीर के विकास के संकल्प की मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।